ताज़ातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। कानपुर के विक्रू गांव में पुलिस हत्याकांड से उत्तर प्रदेश थर्रा गया है। ये घटना प्रदेश में पहली बार नहीं हुई है। पहले भी चार दशक पूर्व ऐसी ही घटना 7 अगस्त 1981 में जनपद एटा के अलीगंज थाना के क्षेत्र नाथुआपुर गांव में घटित हो चुकी है, जिसमें दस्यु सरगना छविराम से दिन दहाड़े पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 9 पुलिस के जवानों सहित 3 ग्रामीणों को शहादत प्राप्त हुए थे। देखें स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। 7 अगस्त 1981 को नाथुआपुर गांव में डकैत छविराम के साथ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 9 पुलिस कर्मियों और 3 ग्रामीणों को शहादत प्राप्त हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रदेश में बीपी सिंह सरकार थी। समूचे प्रदेश में डकैत छविराम आतंक का पर्याय बना हुआ था। जनपद एटा दस्यु छविराम की शरण स्थली मानी जाती थी। अलीगंज इलाके में जगह जगह पुलिस बल कैंप किए हुए थे। 7 अगस्त 1981 का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खास दिन इसलिए और बना क्योंकि इस दिन का अलीगंज तत्कालीन थाना इंचार्ज राजपाल सिंह को बेसब्री से इंतजार था। बताया जा रहा है कि दिवंगत शहीद इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने दस्यु सरगना छविराम को मारने की कसम खाते हुए डकैत छविराम के इर्द गिर्द मुखबिरों का जाल बिछा दिया था। मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर राजपाल सिंह अपने साथियों के साथ नाथुआपुर गांव पहुंचे, जहां 60 से 70 बदमाशों के गिरोह के साथ भिड़ गए। घंटों चली इस मुठभेड़ में पुलिस के पास गोलियां कम पड़ गयी, जिससे डकैत छविराम से चारों तरफ से घेराबंदी कर इंस्पेक्टर राजपाल सिंह सहित 9 पुलिस कर्मियों की निशंस हत्या कर दी, जिसमें 3 ग्रामीण भी शामिल थे। कानपुर के बिकरू गांव में हुई घटना ने नाथुआपुर कांड की याद ताजा कर दी है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे द्वारा किए गए जघन्य अपराध ने डकैत छविराम की याद दिला दी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी सिंह ने 1981 में हुई इस घटना को चुनौती मानते हुए डकैत छविराम के खात्मे की योजना बनाई है और 2 वर्ष के अंतराल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने डकैत छविराम का एनकाउंटर कर प्रदेश को भयमुक्त कराया। कानपुर में हुई घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं है, जिसे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनौती स्वीकारते हुए प्रदेश के डीजीपी को सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। कानपुर में घटित हुई घटना में भी स्थानीय पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। वहीं 1981 में हुई घटना में भी अलीगंज थाना पुलिस के चंद पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर राजपाल सिंह की टीम के पास जब गोलियां खत्म होने लगी, तब उन्होंने 2 पुलिस कर्मियों को पास के गाँव में कैंप किए हुए पीएसी के जवानों तक सूचना करने को कहा। इन पुलिस कर्मियों ने अपनी कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए सूचना पीएसी के जवानों तक नहीं पहुंचाई, जिसके चलते डकैत छविराम को पता चल चुका था कि पुलिस के पास गोलियां खत्म हो गई हैं। उसने चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए 9 पुलिस कर्मियों सहित 3 ग्रामीणों की दिन दहाड़े निशंस हत्या कर दी, जिसमें 3 बदमाश भी मारे गए। इस घटना की गूंज दिल्ली तक पहुंची। एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। की घटना ने जनपद एटा के जख्मों पर फिर एक बार जो है उसको ताजा कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला आज से 40 साल पहले का है, जहां पर 21 सितंबर को एक घटना का अंजाम दिया गया था, जहां पर एक कुख्यात जो डाकू था, जिसने जो है लगभग 8 पुलिस कर्मियों को जो है शहीद कर दिया गया था, जिसमें जो 2 गांव के जो लोग थे वो भी शहीद हुए थे। आपको बता दें कि छविराम एक ऐसा जो डाकू है जिसको प्रदेश ही नहीं लोग भारत में उसके किस्से सुने जाते हैं। आज से 40 साल पहले एक मुखबिर की सूचना पर आप जो देख रहे हैं, ये गांव नथुआपुर है। नथुआपुर ये वही जगह है, ये वही बाग है जिसमें जो है 8 पुलिसकर्मी थे, उनको जो है काफ़ी देर फायरिंग के बाद, मुठभेड़ के बाद उनको शहीद किया गया था। सुना तो ये भी जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा कि जो मुखबिर की सूचना दी गई थी उसमें कई राउंड, सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई थी। करीब जो है कई घंटों जो है गोलियां चली थी और जो लोग थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने काफ़ी मदद की थी। जो है अलीगंज से विकास दुबे के कैमरामैन नंद कुमार के साथ विकास दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। मिश्रा जी, ये गांव नथुआपुर है, यहाँ जो है 1981 में एक पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें बताया जाते हैं कि 9 पुलिसकर्मी और कई ग्रामीण जो है शहीद हुए थे। क्या घटना क्या थी वो आपने अपनी आंखों से बताया जा रहा है कि वो घटना देखी थी? हाँ, आंखों से देखी। ये है कि
कि बदमाश जो थे उस समय छबराम का गैंग बहुत भूलभाला था और छबराम का गैंग डकैती सराय गति डाल करके इसी रोड से गुजर रहा था और गुजरने के बाद वो धीरे से नदराले पहुंचा। नदराले जाकर के उसने देखा कि छबराम का गैंग किस तरफ है तो पश्चिम साइड में था छबराम का गैंग। वहां इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग किया। दिन का माहौल था, करीब 10-11 बजे होंगे और उन्होंने भी इनके ऊपर फायरिंग किया। वो धीरे धीरे नदी के किनारे चलने लगे, ये लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे पुलिस वाले जी। और चलते चलते हमारे गांव तक आ गई और पुलिस वो फौज वो का नाम बदमाश जो थे वो नदी के किनारे किनारे चलने लगे। ये मुठभेड़ कितने घंटे तक चली होगी? ये मुठभेड़ कम से कम 3 घंटे चली। इसमें कितने लोग जो है शहीद हुए थे? इसमें 3 लोग तो जो ग्रामीण थे वो मारे गए थे, 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बताया जा रहा है कि आपके पिताजी भी जो है इस मुठभेड़ में? हाँ हाँ, हमारे पिताजी छेदालाल जो थे वो भी मारे गए थे, कि हमारा चचेरा भाई भी मारा गया था इसी में। कितने राउंड गोलियां चली होंगी, कुछ आइडिया? अरे कोई पता नहीं, ये एकदम इन लोगों ने बस्ट मारा, हमारे तो देखने की बात थी सामने की, तो इन्होंने बस्ट मारा। उसी बस्ट में ये एक ही बस्ट में सब लोग मारी गई, एक ही बस्ट। क्या बॉम्ब ब्लास्ट किया था? अब ये नहीं, ये इनके पास अमेरिकन राइफलें थी वो उनके पास। पुलिसकर्मी कितने रहे होंगे? पुलिसकर्मी इतने ही थे जितने थे, एक दो आदमी और थे। डकैत कितने थे? डकैत तो लगभग बताया जाता है कि 40 आदमी थे उस गैंग में। हाँ, दिन का अब कोई डकैत भी मारा गया था क्या? नहीं, डकैत 3 मारे गए थे लेकिन उनका कोई पता नहीं, उनको जैसे कंडा बटिया नहीं होते उनमें रख करके उन्होंने उनको उसी वक्त दफन कर दिया था। कानपुर में भी कल इसी टाइप की एक घटना हुई है जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, तो उन पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे भाई क्या बताएं, वो तो बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि आपने भी अपने पिताजी को इसी टाइप की घटना है। और बस्ट जहां लगा था आपको, जहां बदमाशों ने बस्ट मारा था, तो खोपड़ी उड़ गई थी, आपको बताएं कितना भयावह मंजर रहा। अरे वही, हमारे पिताजी की तो खोपड़ी का पता भी नहीं था।